शीघ्रपतन का इलाज बिना दवाई का, इसके बारे में मैं आपसे बातचीत करने वाला हूँ। काफी सारे लोग ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए फोन करते रहते हैं, वो बोलते हैं कि हमने सब तरह की दवाइयाँ ट्राई कर लिया मगर फायदा नहीं हो रहा है, और जल्दी मतलब शीघ्रपतन अर्ली इजैकुलेशन हो जाता है, उसको बोलते हैं प्री मैचर इजैकुलेशन या शीघ्रपतन, और वो बीमारी से वो ग्रस्त है जिसमें उनको खुद को सेक्स में मजा नहीं आती, पत्नी को या पार्टनर को सेक्स में मजा नहीं आती, दोनों में असंतुष्ट रहते, दोनों भी असमाधानी रहते हैं, और उनका लाइफ जब बिगड़ जाता है ना तो उसका असर फिर पूरे जीवन में हो जाता है। अब लोग जब आते हैं तो उनको ये हम असेसमेंट करते हैं कि उसको कोई फिजिकल प्रॉब्लम है क्या। ज़्यादातर 99% केसेस में जब कठोरता बराबर आती है मगर जल्दी गिर जाता है, शीघ्रपतन हो जाता है, तो वो साइकोलॉजिकली होता है। मैं लोगों को पति पत्नी को साथ में बुलाता रहता हूँ और उनको काउंसिलिंग करता हूँ कि ऐसा कहाँ 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 होता है, मतलब कब कब चालू हो गया, उसका उसकी शुरुआत कहाँ हुई, ऐसे दिमाग में क्या आ रहा था आपका, कहाँ पास में ऐसा हुआ है, कहाँ से शुरुआत हुई है, शादी के पहले हुआ था क्या, हम पूरी उसकी हिस्ट्री लेते हैं, हमारे पास में क्वेश्चनर है और वो उसके ऊपर हम पूरा देख लेते कि क्या ऐसा हुआ कि जहाँ से ये चालू हो गया। कभी हो सकता है कि सेक्स करते करते बच्चे उठ गए, वहाँ से शुरुआत हो गई, कभी हो सकता है कि अनैतिक संबंध में कोई तो भी आ गया और किसने देख लिया, वहाँ से शुरुआत हो गई, कभी ऐसा होता है कि हस्तमैथुन करने से और हस्तमैथुन में जल्दी गिर जाने से उसको वो एक हैबिट जैसी हो गई, हस्तमैथुन में जल्दी जल्दी हो जाना उसकी हैबिट हो गई, वहाँ से फिर शीघ्रपतन हो रहा है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि दिमाग के ऊपर बहुत टेंशन है, लोड है, स्ट्रेस है और वहाँ से उसको हो जाता है। तो अतीत में क्या हुआ उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, कहाँ वो किसको ब्लेम कर रहा है, कहाँ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, या फिर इंटरपर्सनल रिलेशन आपसी रिश्ते जो उसमें कुछ प्रॉब्लम है, पति पत्नी के रिश्तों में प्रॉब्लम है, क्या हो रहा है कि जिसके वजह से उसको अर्ली इजैकुलेशन हो रहा है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कभी वो बाहर निकल जाता है, बाहर किसके साथ में सेक्स करता है, वहाँ उसका जल्दी शीघ्रपतन हो जाता है, और फिर वहाँ शीघ्रपतन होने के बाद में फिर वो चालू हो जाता है। तो ऐसी काफ़ी सारी जो वजह है वो हम निकालते हैं, उसके सोर्स में जाते हैं और फिर पति पत्नी को काउंसिलिंग करते रहते हैं। काउंसिलिंग के हम सेशन लेते हैं, उसमें 6 से लेकर 10 सेशन हम उनके साथ में बैठते हैं, कुछ एक्सरसाइज हम उनको बताते हैं करने के लिए कि एक्सरसाइज करो, और एक्सरसाइज करने के बाद में बिना दवाई का, कुछ भी दवाई न लेते हुए उनका जो शीघ्रपतन है वो समस्या उनकी हल हो जाती है। लोग हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन भी करते हैं और शीघ्रपतन के लिए ऑनलाइन कंसल्टेशन से पति पत्नी ऑनलाइन फ़ोन के ऊपर स्पीकर रख के बात करके उनका इलाज कर लेते हैं, या कोई हमारे जो हॉस्पिटल है अकोला में यहाँ आते हैं और वहाँ उनका इलाज, यहाँ आके उनका इलाज कर लेते हैं। हमारे यहाँ तो हॉस्पिटल है जहाँ हम मानसिक रुग्णों को भर्ती करते हैं, हमारा जो ये है सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य मिशन है हमारा, और व्यसन मुक्त भारत, तो इसके लिए हम कटिबद्ध है, हमारा मिशन है। आप ये वीडियो लोगों को शेयर करो ताकि लोगों के, इतने लोगों को प्रॉब्लम है, वो लोग यदि वो वीडियो सुनते हैं ना तो वो कहीं ना कहीं अपना इलाज कर लेंगे और अपना जीवन अच्छा कर लेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक करो। हमारा जो यहाँ जो हॉस्पिटल है इसमें मानसिक रुग्ण, फिर हिप्नोथेरेपी का इलाज दवाई के साथ में, और हिप्नोथेरेपी के साथ में मानसिक रुग्ण का इलाज हम करते रहते हैं, शराबी लोगों का इलाज होते रहता है, और बाकी सारे काफ़ी न्यूरोटिक साइकोटिक प्रॉब्लम जो है उनका इलाज भी हम यहाँ करते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।